पिछले अध्याय 3 अफवाह में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में, उनके अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी कि बीच धरती से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनका ढाल दोनों तरफ है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, तो कुछ नदियां जो होती है वह अरब सागर में गिरती है। तो आज हम इन नदियों के बारे में, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बारे में अध्याय 3 का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखोगे कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, और देश के अधिकांश भागों में सिंचाई, पेयजल और ये सारा काम यही नदियां करती है, जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जल विभाजक का काम करता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं, नर्मदा एवं ताप्ती। ये दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारन नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां का अफवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, यानी कि ये आकार में छोटी होती है। इनमें सबसे पहले आती है, जो आप देखोगे तो सबसे पहले नदी आती है नर्मदा। नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं। इन नदियों के बारे में केवल अपने को ये ध्यान रखना है विशेष तौर से कि इनका उद्गम स्थान कौन सा है, ये किसमें गिरती है और कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो ये तीन बातें मुख्य रूप से अपने को इसमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आती है नर्मदा। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ के निकट है, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी के पास से ये नदी निकलती है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करते हैं, यानी कि नर्मदा नदी पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में ये नदी गहरे गाद से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है, जहाँ धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। धुआंधार का मतलब इसका पानी जब गिरता है तो उस पानी से ऐसी धाराएं ऐसी निकलती है जैसे धुआं ही धुआं हो रहा हो चारों ओर, दिखाई भी नहीं देती, यानी कि इसलिए इसको धुआंधार प्रपात के नाम से जाना जाता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है, यानी कि समकोण के रूप में सीधी आकर मुख्य धारा में ये मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इनका उद्गम स्थल किसमें ये गिरती है और कौन कौन से राज्यों में ये बहती है, इन तीन विशेष बातों के बारे में अपने को इसमें ध्यान रखना है। अगली नदी आती है ताप्ती। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं के आसपास से नदी निकलती है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, यानी समानांतर का मतलब होता है साथ साथ बहने वाली, तो ये भी उसके समानांतर बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में, इन तीन राज्यों में बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है, यानी कि तटीय नदियों का मतलब जो समुद्र तल के पास वाली नदियां हैं उनकी लंबाई कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुंज
और पेरियर है। इन राज्यों के नाम बताए जाएं, नदियां बताइए, यानी कि नदियां कहाँ कहाँ बहती है, तो मानचित्र में देखने पर अपने को ध्यान होगा कि नदियां कौन से राज्य में बहती है। अगली नदी आती है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। अभी ये महाराष्ट्र से निकल रही है। इसकी लंबाई लगभग 1,500 किलोमीटर है, यानी कि जो थलीय भाग पर बहने वाली नदी है उनमें सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपव्यय तंत्र सबसे बड़ा है। सबसे लंबी नदी होने की वजह से इसका अपव्यय तंत्र भी सबसे लंबा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50%, यानी कि महाराष्ट्र में 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्वा, वर्धा, प्राणिता, माजरा, रेंग्यांग, पेनगंगा। इसमें अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। अगली नदी आती है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, इन चार राज्यों में यह बहती है। अगले आते हैं कृष्णा। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के माँ बालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1,400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मुसी तथा धीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इनकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। अगली नदी आती है कावेरी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, हेमावली तथा काबिनी। इनको द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्माणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगर हम नक्शे में देखेंगे तो इन सारी नदियों को हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो ये जो धरातल की नदियां हैं इनमें से कुछ बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में गिरती है। तो इन नदियों का हमें मुख्य रूप से ही ध्यान रखना है कि इनका उद्गम स्थल कौन सा है, इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं और ये कौन कौन से राज्यों में बहती हुई अरब सागर में मिलती है या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो हम जब इनके नोट्स बनाए हैं इनके बारे में याद करें तो ये विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है। एक बार और सुनो कि उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल पहला पॉइंट, दूसरा इसकी सहायक नदियाँ, तीसरा पॉइंट ये कौन कौन से राज्यों में बहती है और चौथा पॉइंट ये किस में गिरती है। तो इस प्रकार से चार पॉइंटों में सारी नदियों को हम डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इस पार्ट का अंतिम भाग आता है झीलें। कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये डल झील की विशेषता है, इसमें नाव वाले घर बने हुए हैं, शिकारा बने हुए हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी या अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए, अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या उनका इतना आकर्षण होता, यानी कि लोग उनको देखने के लिए, उन राज्यों में घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जाते, ये सोचने की बात है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त
मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ गहरी खाई हो और उसमें पानी भरा हो उसे झील कहा जाता है। और झील का मतलब केवल पर्यटन ही नहीं है, झील पेयजल में भी, सिंचाई में भी, विद्युत उत्पादन में भी, और जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जमीनी पानी है, सतह का पानी है, उसे भी मेंटेन करने के लिए झीलों का महत्व होता है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें होती हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर से क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, यानी कि बर्फ पिघलने के कारण ये झीलें बनी हैं। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मानवीय क्रियाकलापों का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा खोदी गई कुछ नदियों द्वारा, यानी कि नदियां अपने साथ गर्त बहाकर लाती है और गर्त धीरे धीरे जमा होकर उन नदियों का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, और वायु के कारण भी झीलों का निर्माण होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का, यानी कि गाय के खुर, गाय के पैर का जो निशान होता है अंत का, उसके समान की झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में सेलून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाले झील कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, जो एक लवण जल वाली झील है और जिसके जल से नमक का निर्माण किया जाता है, यानी कि झील का औचित्य केवल नमक निर्माण है। मीठे पानी की अधिकतर झीलें हिमालय क्षेत्र में, यानी कि बर्फ का पानी मीठा होता है हमेशा, तो वहां से जो नदियां निकलती है या वहां से जो पानी आता है उनसे बनी झीलों का पानी हमेशा मीठा रहता है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है, यानी कि बर्फ द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में, जब हिमालय ने कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी के हिमानी बांध बन गए, इसके विपरीत जम्मू कश्मीर को उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत को सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील का नाम उलर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, यानी कि बांध के अंदर जो पानी भरा होता है वह भी अपने आप में झील का निर्माण करता है, जो बहुउद्देश्य होता है। पेयजल में भी काम आता है, सिंचाई में भी काम आता है, और विद्युत उत्पादन में भी उसका उपयोग किया जाता है। कई मछली पालन में भी उनका उपयोग किया जाता है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। ये झीलों का लाभ है कि झीलों से मनुष्य को क्या क्या लाभ है, प्रकृति को क्या क्या लाभ है। तो झीलों के कारण नदी का बहाव संतुलन बना रहता है, साथ ही भूमि का जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ से ये सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत बनाने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य, यानी कि आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहती है, कुल मिलाकर जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से झीलों के बारे में हमने पढ़ा। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व क्या है? तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने
प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित, यानी कि शुरू में जब बस्तियां बसी थी तो ये नदी के किनारे केवल पानी उपलब्ध होने के कारण वहां बनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये नगरों और महानगरों में परिवर्तित हो गई। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची बनाइए जो नदी किनारे, जैसे हमारा कोटा नदी किनारे है, इसी प्रकार से बहुत सारे बड़े बड़े जो शहर हैं वह नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। अब इनमें सबसे बड़ी समस्या आती है नदी प्रदूषण, यानी कि बड़े शहरों के निर्माण के कारण नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नदियों में लगभग 20% के आसपास अगर कचरा डाला जाता है, गंदगी छोड़ी जाती है, तो नदी स्वयं उसको साफ करने में सक्षम होती है। किंतु अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण और बड़े बड़े शहरों से निकलने वाले नालों के कारण, सबके नदियों में मिलने के कारण उसकी बाव क्षमता में अवरोध पैदा होता है, इसलिए वह शुद्ध नहीं हो पाती। तो नदी प्रदूषण आज की सबसे बड़ी हमारी समस्या है। नदी जल को घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों को प्रदूषण तथा अपशिष्ट कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल स्तर लगभग 20 किमी क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, यानी कि 20 किमी तक अगर कोई शहर फैला हुआ है तो उससे निकलने वाली गंदगी को गंगा का पानी साफ कर सकता है। तो हर नदी में ये विशेषता होती है कि वह कुछ गंदगी को स्वयं साफ कर सकती है, किंतु जब उसकी क्षमता से ज़्यादा गंदगियाँ उसमें मिलती है तो फिर उसे साफ करना मुश्किल होता है और वह पानी उपयोगी नहीं रह पाता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है, जैसे नमामि गंगे के नाम से नदियों को शुद्ध करने का बीड़ा भारत सरकार द्वारा उठाया गया है, और उसमें नदियों को शुद्ध करने का, यानी कि नदियों में मिलने वाले नालों को पहले उस पानी को फिल्टर करके उसके बाद में नदी में छोड़ा जाए, ऐसा प्रोजेक्ट जगह जगह बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय, आज इसका दूसरा चैप्टर भी पूरा होता है, दूसरा भाग पूरा होता है, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ और झीलों के बारे में हमने पढ़े। अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे।